हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूटी की रेसिपी। आज हम घर पर होममेड फ्रूटी बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मीठे और अच्छे वाले खट्टे आम दोनों ले लिए हैं, तो हम दोनों को ही अच्छी तरीके से छील लेंगे। क्वांटिटी टोटली आप पर डिपेंड करती है कि आपको कितना जो है फ्रूटी बनानी है। मैंने फ़िलहाल लगभग 2 लीटर के अराउंड फ्रूटी बनाई थी, इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही बड़ा आम लिया है और 2 छोटे वाले कच्चे आम लिए हैं। हम इसको छील कर अच्छे से छोटे छोटे शेप्स में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आम को अच्छी तरीके से काट लिया है। अब हम इसको एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाएंगे, बिना पानी डाले इसको एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आम बहुत ही अच्छे से पिस चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम इस पेस्ट को कढ़ाई पर डाल देंगे और गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर ही हम सारा प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस पे जो मैंगो का पेस्ट है वो कढ़ाई में डाल दिया है। इसको हम 30-40 सेकंड के लिए इस तरीके से चला लेंगे जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, तो मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर इस पेस्ट को हमने गैस का फ्लेम एकदम हाई रखा है, अच्छे से हम इसको पका लेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो इसको डिज़ोल्व होने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, तो हम लगभग इसको 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए और आम का जो पल्प है वो थोड़ा सा पक जाए। आम का कलर जो है हम फ्रूटी जैसा बनाने के लिए इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया है ताकि इसका कलर बिल्कुल फ्रूटी जैसा आए। फ्रूटी का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, तो मैंगो का ओरिजिनल कलर वो नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई फूड कलर मिला होता है। तो हमने यहाँ पर इसमें जो है येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रूटी वाला आए, और टेस्ट तो इसका मार्केट वाली फ्रूटी के मुकाबले काफ़ी अच्छा होगा। तो देखिए, हम इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा विनीगर ऐड कर देंगे, विनीगर से जो है इसका खट्टापन और इन्हेंस हो जाएगा और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, क्योंकि आम जो होते हैं उतने ज़्यादा भी खट्टे नहीं होते हैं कि इसमें एक टैंगी सा फ्लेवर दे पाएँ। इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा विनीगर का इस्तेमाल किया है। अगर आप ऐसा आम इस्तेमाल करें जो बहुत खट्टा है तो आप इसमें जो है विनीगर अवॉइड कर दें। अब हम इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे और जो इसमें छोटे छोटे से क्यूब्स रह गए हैं या पल्प रह गया है थोड़ा सा मोटा मोटा सा आम का, उसको निकाल कर हम साइड कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस टाइम पर जो मैंगो का पल्प था उसको अच्छे तरीके से छान लिया है और इसमें हम पानी मिलाएंगे। तो पानी जो है आप टेक्सचर के अकॉर्डिंग मिलाएं, तो जैसा फ्रूटी का टेक्सचर होता है हल्का हल्का सा गाढ़ा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें लगभग 2.25 लीटर जो है पानी ऐड किया है टोटल। ये देखिए, इसका जो टेक्सचर है वो फ्रूटी जैसा हो चुका है, ना तो ये गाढ़ा है ना ये बहुत पानी जैसा पतला है, इसके बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब चलिए, अब हम इसको एक जो है बड़े से जग में डाल लेते हैं। तो ये लगभग 2 लीटर है, तो मेरे पास 2 लीटर का कोई जग नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कैटल में डाल लिया है। यहाँ पर 2 लीटर की कैटल है ये। इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको सर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी गिलासों में आइस क्यूब्स डाल देंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो हमारी बाज़ार जैसी फ्रूटी बनकर एकदम तैयार है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप घर पर होममेड फ्रूटी बनाइए, एकदम सेफ़ है और पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। पीजिए, बच्चों के साथ में इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।